हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग विद फूड। सो यस, ये जो मैं वीडियो दिखा रही हूँ ये आज का नहीं, आज से एक साल पहले का है। और ये मैं जो है कानपुर सेंटर से कामाख्या जा रही हूँ। कुछ क्लिप्स थे उनको मैंने कनेक्ट करके एडिटिंग करके मैंने आपके लिए डाला है। होपली आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि जब मैंने ये वीडियो बनाई तब नहीं सोचा था कि मैं कोई यूट्यूब चैनल बनाऊँगी। तो यस, बस कुछ वीडियो को एडिट करके आपके लिए दिखा रही हूँ। और जो ये वीडियो जो ये देख रहे हैं आप, ये गंगा पुल मतलब गंगा रिवर, ये शायद इंडिया का सबसे बड़ा गंगा रिवर पुल है, जो गांधी सेतु पुल बोला जाता है। हालांकि ये रोड वाला नहीं है, ये तो ट्रेन के है। वैसे रोड का जो पुल है उसको बोला जाता है गांधी सेतु। ये सबसे लंबा है 5.5 किलोमीटर में। सो इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड किया और डाल दिया है। होपली आप इंजॉय कर रहे होंगे। और ये है जो ये मैं कामाख्या पहुंच चुकी हूँ। वहाँ पर भैरव नाथ कुंभ है, ये नीचे उतर कर जा रही हूँ मैं, वहाँ का है। फ्रेंड्स, यहाँ की सबसे ज़्यादा खासियत यहाँ की सीढ़ियाँ, जो आपको नॉर्मली भी 100-150 सीढ़ी चढ़नी ही पड़ती कहीं भी जाने के लिए, तो यहाँ पर सीढ़ियाँ बहुत हैं। ये माँ कामाख्या के मंदिर का है। और जो आप देख रहे हैं भजन वगैरह, वो सारे लोग शाम के टाइम करते हैं, जब माँ की आरती होती है, उनका प्रसाद चढ़ता है, भोग लगता है माँ को, तब ये माँ के बैठते हैं, भजन होते हैं। तो सभी जितने भक्तगण होते हैं जो आते घूमने, वही लोग करते हैं, वहाँ के भी लोग होते हैं। तो वाकई बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पर काफ़ी लोग बैठे होते हैं, खूब इंजॉय करते हैं, फिर उसके बाद माँ का प्रसाद बढ़ता है, फिर सब लोग लाइन से लगकर प्रसाद लेते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये जो मैं दिखा रही हूँ सब कुछ मैं पहले ही बता दूँगी, एक साल पुराना है, अभी का नहीं है। तो प्लीज़ मत कहिएगा इतनी भीड़ है। और ये और तब उस टाइम पे लॉकडाउन नहीं था, मार्च का है, होली के जस्ट बाद का, ठीक है। तो और ये आप देख सकते हैं मंदिर का लुक, और यही मेन मंदिर है, इसी में माँ का मतलब जहाँ हम लोग दर्शन करने जाते हैं, शक्तिपीठ है वो माँ का यहीं पे। जैसे आप लोग को कुछ लोगों को नहीं मालूम कि कामाख्या क्या है, तो कामाख्या मंदिर वहाँ पे माँ की यूनिक शक्तिपीठ है, जो देवी सती का गिरा हुआ था जब वो अग्निकुंड में गिर कर भस्म हो गई थी, तो उस टाइम का। और एक चीज़ जो लोग कहते हैं कि जैसे असम बंगाल का जादू सबसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो वो भी यहीं होता है, लेकिन हम लोगों को ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, होता हुआ किसी और साइड में, यहाँ नहीं देखने को मिला। और ये जो हम जा रहे हैं ये भी कामाख्या में भैरव कुंड मतलब भैरव घाट जो बोलते हैं वो है। और दरअसल आप कभी भी जाइएगा कहीं भी किसी भी शक्तिपीठ में, तो वहाँ पर भैरव जी का कोई ना कोई रूप होता ही है, तो वही है। और जो आपको मैंने अभी ये जो निकल के गया टीप टापू जैसा, तो यहीं पर हम लोग जा रहे हैं, और इसके लिए हम सबको स्टीमर से ही जाना पड़ता है। तो बस वहीं घूमने हम लोग जा रहे हैं। बाकी वहाँ पर भी काफ़ी कुछ घूमने लायक, तो काफ़ी कुछ घूमा, लेकिन मेरे पास अभी वहाँ की कोई क्लिप वेप नहीं मिली और फोटोज नहीं, तो बस वही है। सो फ्रेंड्स, अब बस हम लोग यहाँ से रिटर्न जा रहे हैं घर। और मैं पहुँच गई, मतलब गाड़ी हम लोगों ने बुक की थी गुवाहाटी स्टेशन की, जबकि हमें जाना था कामाख्या स्टेशन, क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी वो कामाख्या स्टेशन से थी, बट मुझे लगा गुवाहाटी स्टेशन था, मैंने फुल ऑन सही से चेक नहीं किया था। लेकिन फिर जब वहाँ पहुँचे देखा हमारी कोई गाड़ी है ही नहीं गुवाहाटी से, तो फिर हमने चेक करके पता चला कि हमारी कामाख्या स्टेशन से, तुरंत हम लोग कामाख्या स्टेशन पहुँचे। होपली हमें गाड़ी सही से मिल गई थी, क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम पहले ही निकल आए थे, 1.5 घंटे पहले, तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी। और मैं बताऊं तो आपको, ये जो मुझे सबसे अच्छा लगा कामाख्या की रोडें बहुत अच्छी लगी, मतलब एक साइड पहाड़ है, एक साइड रोड है, और एक साइड से आपको ज़िगज़ैग रोड राउंड राउंड देखने को, मतलब बहुत प्यारा सीन था, वाकई बहुत अच्छा लगा।
और वहाँ पे काफ़ी कुछ घूमने लायक था, काफ़ी कुछ अच्छा था। मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अगर आप लोग भी एक बार जाना चाहें तो ज़रूर जाइएगा, और आपको ये अगर जाना है कैसे जाना है, क्या करना है, तो वो भी मैं आपको बता दूँगी किस तरह से जा सकते हैं, और उसकी फुल ऑन डिटेल दे दूँगी। और हमारा प्लान है कि हम नेक्स्ट टाइम भी, अभी प्लान किया था जाने का लेकिन अभी लॉकडाउन वगैरह रहा इसलिए नहीं, और अगर आप इस सही होता है तो हम लोग ज़रूर जाएंगे इस साल में, नहीं तो नेक्स्ट ईयर भी हमें जाना है, क्योंकि हम लोग कामाख्या देवी को बहुत मानते हैं, तो हम लोग हर साल जाते ही हैं। तो जैसे जो भी होगा तो मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता दूँगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर देगा, और नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसे लगा और आपको कैसे लगता है। तो जब लोग बताते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अप्रिशिएट होता है। और मेरा चैनल अभी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था, पर पता नहीं क्या हुआ, एकदम से डल हो गया है, कुछ भी नहीं कर रहा, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। एंड जो मैंने वीडियो दिखाई है आज की नहीं, एक साल बहुत पुरानी है, तो मुझे इनको ढूंढ करके सर्च करके फिर निकाला, फिर एडिटिंग की, तो बहुत टाइम लग गया, इसीलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाई, थोड़ा सा बिज़ी भी हो गई थी तो और नहीं डाल पाई, सॉरी टू से मैं अगर नहीं डाल पाई, उसके लिए मैंने बोला था आने वाली है फिर भी। तो आपने इन्जॉय किया होगा होपली, और आगे मैंने फ़ोटोज़ लगे उनको भी इन्जॉय करिएगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक टच करना तो चैनल सब्सक्राइब हो जाता है, फ्री में है, कुछ भी पैसे नहीं लगने हैं, बट मुझे सपोर्ट मिलता है तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। एंड थैंक यू सो मच, और मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जैसे लॉकडाउन ख़त्म तो बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं, बहुत कुछ है करने को, और आप लोगों प्लीज़ आप लोग घर पर रहिए, सेफ़ रहिए, ज़्यादा जरूरी तभी निकलिए, वैसे नहीं निकले। और जो जो आप लोगों ने बताया कि आप यहाँ जाइए ये करिए, तो वो भी मैं ज़रूर करूँगी। और फ्रेंड्स, जो मैंने आपको अभी नदी दिखाई थी, जो मैं स्टीमर से जा रही थी, वो नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, और सब में ब्रह्मपुत्र नदी ही बहती है। और फ्रेंड्स, यस, मैं फरुखाबाद से ही हूँ, फरुखाबाद से ही हूँ, लेकिन मैं कहाँ से वो नहीं बता सकती हूँ, थोड़ा पर्सनल होता है ये। और हाँ, थैंक यू सो मच, मेरा ख्याल रखिए, एंड टेक केयर, बाय बाय।